अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सो के सब ठीक ठाक होंगे, है हैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। ये बहुत ही मेन टाइप्स हैं मेजरमेंट स्केल्स की, और ये फोर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी किसी भी रिसर्च में, किसी भी एनालिसिस के अंदर। कोई भी सोशल एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, हम उसके अंदर उसको स्टडी कर लेते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग जब अपने कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम उनको एक मेजरमेंट स्केल के ऊपर सेट कर लेते हैं। कि हमने एक सोचा ना कि हम इंडिकेटर्स सेट कर लेते हैं और इंडिकेटर्स के थ्रू हम लोग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो फिर जब हम इंडिकेटर सेट करते हैं तो फिर हमें एक मेजरमेंट स्केल भी सेट करना होता है कि किस तरीके का हमारा कॉन्सेप्ट था, उसको हम उसकी हमने क्लासिफिकेशन कैसे की, और उसको भी हमने वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करना, उसको वैल्यू कैसे देनी है, ठीक है। तो फिर हम मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं। जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं या जिन लोगों ने क्वेश्चन ईयर बनाया, जिन लोगों ने एसपीएसएस यूज किया होगा, उन लोगों को पता होगा कि जब भी हम एसपीएसएस में डाटा एंट्री करते हैं तो हम फिर उसके ऊपर स्केल सेट कर लेते हैं कि हमने किस तरीके का डाटा एंटर किया। तो आज हम इस केस को डिस्कस करेंगे। तो स्केल को डिस्कस करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चले चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, आप डाटा एंटर कर रहे हैं और आपका पहला सवाल क्या है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है, तो मेल है या फीमेल है। तो मेल को हमने 1 कह दिया, फीमेल को हमने 2 कह दिया, तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी। तो जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जिन लोगों ने मेल पे टिक, जिन लोगों ने मेल जेंडर लिखा होगा हम मेल 1 लिख देंगे, और जिन लोगों ने फीमेल लिखा होगा हम मेल फीमेल 2 लिख देंगे। तो हम हमारी जो नंबर हमने असाइन कर देते हैं हम लोग किसी चीज को, ठीक है, तो हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं चीज़ों को। तो इसके अंदर या तो आप इंडिविजुअली चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, नॉमिनल। अगर फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है यानी कि एज है, तो भी आप नॉमिनल स्केल्स ही सेट करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हम हो। एज किसी बंदे ने लिखी हुई है, 24 लिखी हुई है, 26 लिखी हुई है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और यानी कि एज पे हम लोग नॉमिनल स्केल सेट करते हैं। या फिर कोई भी वाटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं हम उस पर, अगर एक कैटेगरी का वेरिएबल है तो भी हम नॉमिनल स्केल यूज़ करेंगे। अगर क्लासिफिकेशन हम उसकी कर रहे हैं, 2 के लिहाज से कर रहे हैं, 3 के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको जो है नॉमिनल स्केल जो है असाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि कैटेगरीज आ जाती हैं या सब कैटेगरीज आ जाती हैं, तो हम इसके अंदर उसको नॉमिनल स्केल जो है असाइन करते हैं। इन सिंपल एंड स्मार्ट वर्ड जब हम डिटेल पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स की स्टार्ट में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल, लेकिन जब हम रिसर्च में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन ईयर के लिहाज से किस तरीके से हम अपने स्केल्स को सेट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इन सिंपल वर्ड्स के आप उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक मतलब सिंपल सा एक स्केल है ये नॉमिनल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। ऑर्डिनल स्केल को हम लोग रैंकिंग स्केल भी कहते हैं, कि हम एक रैंक कर देते हैं चीज़ों को। तो ऑर्डर से ही समझ आ जाता है हमें कि इसके अंदर ऑर्डर होता है, कि एक हम इसको एक ऑर्डरिक फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये जो ऑर्डिनल स्केल होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा में यूज हो रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग किसी अननोन चीज़ का डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि इसको हमने किस तरीके से रैंक करना है, किस तरीके से हमने ग्रुप्ड करना है, किस तरीके से ग्रुप डाटा फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आवर प्रोडक्ट्स, तो क्या किया आपने ना, एक एक बना लिया, एक अपना बना लिया, रैंक बना लिया, ठीक है, एक ऑर्डर बना लिया, एक ऑर्डर की फॉर्म में आपने उसको उसकी एंट्री कर दी, डाटा एंट्री कर दी उसकी, कि आप टोटली सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं, डिससेटिस्फाइड हैं या टोटली डिससेटिस्फाइड हैं। यानी कि आपने क्वेश्चन ये में एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शंस दे दी, और 5 ऑप्शंस में से आपने कहा रिस्पोंडर को कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताएं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। आप वो जिस पे ऑप्शन पे मतलब टिक करेंगे तो आप उसकी एंट्री कर, ठीक है, ये हमने एक एक रैंक कर दिया चीज़ों को, ठीक है, इसके लिहाज रैंक कर देना किसी चीज़ को। तो ये ऑर्डिनल स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज ही रखता है,
ठीक है। नॉमिनल स्केल में भी हम क्या कर रहे होते हैं, कैटेगरीज को हिसाब रहे होते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती है लेकिन एक ऑर्डर फॉर्म में होती है, हम इसको एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में लिखने हैं। अगर हम ये लिख करते कि सेटिस्फाई को पहले कर देते, न्यूट्रल को पहले कर देते, तो वो एक ऑर्डर फॉर्म ना होता। ऑर्डर स्केल में हम लोग हमेशा एक ऑर्डर फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में हम लोग ना इंटरवल सेट करते, एक प्रॉपर इंटरवल सेट करते हैं कि इस तरह आ जाता है हमारे पास के स्ट्रॉन्गली एग्री एग्री डिस जाता है हमारे पास के सर्टेन डिसएग्री नॉट एग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो एक स्केल हम सेट करते हैं। अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपने क्वेश्चन ये के लिहाज से किस तरीके का स्केल जो है वो सेट करना है। अब जो ऑर्डिनल स्केल था उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं नॉमिनल स्केल की, और जो हमारे पास इंटरवल स्केल होता है उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑर्डिनल स्केल की। अब ऑर्डिनल स्केल में भी हमने एक सेट किया, एक वो हमने सेट किया था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो उसको रैंक करते हैं। तो इंटरवल में भी होता है कि हम उसका एक इंटरवल भी सेट कर देते हैं और उसको एक इंटरवल स्केल पे सेट कर देते हैं कि किस तरीके से हमने कितना जो है वो एक इंटरवल सेट करना है। मतलब अगर जो लोग एग्री हैं इस चीज़ से उनको किस में ऐड करना है, और जो लोग नॉट एग्री हैं उनको किस में ऐड करना है। तो एक इंटरवल सेट कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंटरवल स्केल है। तो ये जो स्केल है इसकी मोर स्पेसिफिकली एग्जांपल अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है इसको इक्वली इंटरवल्स पे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब सेल्सियस स्केल आ जाता है इसके अंदर, फारेनहाइट स्केल आ जाता है इसके अंदर, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट वन आ जाता है हमारे पास रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इन सिंपल वर्ड्स के इसके अंदर जो वैल्यूज जिस तरह हैं उसको हम उसी तरह रखते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। तो जो वैल्यू जैसे हैं वैसे ही रहती हैं इसमें, यानी कि अगर एज है तो एज आपकी चेंज नहीं होगी, हाइट है चेंज नहीं होगी, वेट है चेंज नहीं होगी, इनकम है चेंज नहीं होगी। जो सी वैल्यू जिस तरह की होती है हम इसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। पहले वाले केस में हमने क्या किया कि हम इंटरवल सेट कर देते थे, रैंक सेट कर देते थे, लेकिन रेशियो स्केल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है, जो स्टैटिक पॉइंट हमारा 0 होता है, और इसको हम जिस तरह की वैल्यू होती है एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट ऑफ स्केल्स का, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। और जो थोड़ा सा रिसर्च के हवाले से है कि आप उसको सॉफ्टवेयर में जाके या अपने क्वेश्चंस के लिहाज से इसको कैसे सेट करते हैं वो चेंज समझ आ गई होगी। जब आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। मेन मेन कॉन्सेप्ट आता वही रहता है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन के लिहाज से, अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से, अपने मतलब कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग गया है, और जिन लोगों को मेरी टाइप्स और वेरिएबल्स एंड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, उसके अलावा आज के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स थे उनके टाइप्स अगर आपको अच्छी लगी हैं तो उनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें। और जो ये मेरा टॉपिक जिसको मैंने शुरू किया है कि लोगों को रिसर्च के बारे में बता सकूं, मोटिवेट करा सकूं, ताकि लोग जो रिसर्च से घबराते हैं और जो मतलब इस तरह बेजारी से जो लोग रिसर्च करते हैं, अगर रिसर्च शुरू की और लेकिन बस समझ नहीं आई और उसको बस जान छुड़वाने के लिए किया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। रिसर्च एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा तो मेन मकसद है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो यही है कि लोगों को बताया जा सके कि रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट की जाए, जो मेन मेन चीज़ें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इग्नोर करते हैं उसको छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।